जय माता दी। आज हम आज के ब्लॉग में आप सभी को महामाई बाला सुंदरी के दरबार में त्रिलोक पर लेके चलते हैं, और जो भी महामाई की गाथा है वो आपको चलते चलते ही सुनाएंगे। जो पूरी कहानी है कैसे माता रानी यहाँ पर त्रिलोक पर में आई, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको अच्छे से अच्छी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, और आप सभी से निवेदन है जो मैं ये ब्लॉग बनाऊंगा आप सभी उसको स्किप ना करें, ध्यान से देखें, पूरा पूरी वीडियो को देखें। माता रानी आपकी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ जय माता दी। नारायणगढ़ से 10 किलोमीटर कालेआम है, और कालेआम से लगभग 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर के बीच में ये त्रिलोक पर मंदिर है देवी माता। एक समय ऐसा आया था कि त्रिलोक पर सिरमौर में नमक की कमी हो गई थी, और यहाँ पर एक लाला रामदास हुआ करते थे। वो देवी माता के बहुत बड़े भक्त थे, और लाला रामदास नमक लेने के लिए सहारनपुर के देव बन जाते थे, और वहाँ पे माता सुकुम्बरी और बाला सुंदरी के मंदिर में जरूर जाते थे। माता रानी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई, और उसकी नमक की बोरी में पिंडी के रूप में त्रिलोक पर में आ गई। और एक दिन लाला रामदास के स्वप्न में माता बाला सुंदरी आई, और उन्होंने उनको सारी बात बताई कि मैं आपकी नमक की बोरी में यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे जहाँ आपकी दुकान है पीपल के वृक्ष के नीचे मैं स्थापित हो गई हूँ, आप मेरा यहाँ पे भवन बनवाएं। देवी माता यह बात सुनकर लाला रामदास चिंताएं पड़ गया, और उसने देवी माता की आराधना की और बोला, माता रानी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका भवन बनवा सकूं, और उसने माता से प्रार्थना की कि वो सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश से यह भवन बनवाए। तो माता रानी ने प्रदीप प्रकाश के स्वप्न में आकर उसको भवन बनवाने के लिए प्रेरित किया। प्रदीप प्रकाश ने राजस्थान से बहुत बढ़िया कारीगर बुलाए, और देवी माता का भवन 2 साल के अंदर पूरा कर दिया। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी भक्त किसी कारणवश वैष्णो देवी नहीं जा सकता, यह मान्यता है कि वो यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। 3 देवियों का वास होने की वजह से यह स्थान त्रिलोकपुर के नाम से प्रसिद्ध है।
दानी पुरुष यहाँ पर भंडारा और लंगर चलाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर बहुत बड़ा लंगर लगे हुए हैं और जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर प्रसाद लंगर वो लेके जाते हैं और रात को रहने के लिए लोगों को यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है। धर्मशाला व ये टेंट लगाए हुए हैं जो इसमें लोग यात्री जो बाहर से आते हैं वो रहते हैं। सबसे जरूरी जानकारी, माता के दरबार में जाने से पहले भक्तों को ध्यानु भक्त के दरबार में जाना पड़ता है और मान्यता के अनुसार जो माता के दरबार में जाने से पहले यहाँ पे अपना सर झुकाता है, मत्था टेकता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और फूल और घर से बनाया हुआ हलवा यहाँ पे चढ़ाया जाता है। जय माता दी। यहाँ पर एक स्थान माता ललिता देवी का है और श्रद्धालु यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर ये माता देवी का स्थान पड़ता है। श्रद्धालु वहाँ भी जाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और इसका अगर हम ब्लॉग बनाए इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसका स्पेशल ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा। श्रद्धालु आते हैं और यहाँ भवन के लिए माँ का प्रसाद लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये देखो लाइन में शुरू से लेके लास्ट तक ये दुकानें हैं, ये भाई यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सभी इंतजाम है श्रद्धालुओं के लिए। जय माता की भाई साहब। जय माता की। 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 ये माता रानी का भवन है, यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं मत्था टेकने के लिए। आया है। ये वो पीपल का वृक्ष है जहाँ पर माता रानी ने स्थान लिया था और लाला रामदास को स्वप्न में आके बताया था कि मैं आपकी नमक की बोरी में आई हूँ। और जहाँ पे आपका ये पीपल का वृक्ष है यहाँ पर वो दुकान हुआ करती थी जहाँ पर लाला रामदास अपना नमक बेचा करते थे। ये ज्योति स्थल है, लोग यहाँ पर माता रानी के लिए ज्योत और धूपबत्ती अगरबत्ती यहाँ पर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये स्थान माँ शक्ति काली माता जी का है और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसाद व मदिरा का भोग लगाते हैं। Thank you.
पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है। और ये यहाँ पर नवरात्रों के समय में ये पहाड़ी कल्चर को दिखाया जाता है। यहाँ पे भोलेनाथ, श्री गणेश जी महाराज और सभी देवियों के स्वरूप यहाँ पे मंदिर व स्थान बनाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। मंदिर में ट्रस्ट में दान करना चाहता है, जो जिसकी श्रद्धा है वो कर सकता है। माता रानी का ये सिंह है, शेर है, लोग अपनी श्रद्धा से सिंह के नीचे से निकलते हैं और अपने बच्चों को निकालते हैं ताकि उनके ऊपर कोई ओपरा साया ना रहे। दिखाते हैं माता रानी का हवन कुंड। आइए, जब भी आप यहाँ आए हवन कुंड का एक चक्कर जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कष्ट हैं भक्तों के सभी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ जी, जय माता दी। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? समाना। ये कहाँ पर पड़ता है? पटियाला। पटियाला से आए? हाँ जी। नजदीक आ जाओ थोड़ा। सभी अच्छा, कैसा, कब से आते हैं आप यहाँ पे? मैं तो सर फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आप कब से आ रहे हैं यहाँ? वहीं से, समाना मंडी से। हाँ, पहले भी आए हैं आप? बहुत बार। अच्छा, बहुत बार आए हैं। पंजाब से हैं, सभी स्टेटों से लोग यहाँ पर आते हैं माता रानी के पास। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। मैं समाना मंडी, जिला पटियाला, पंजाब से पहली बार आया हूँ मैं तो। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, बचपन में आया था कभी। जय माता दी। माता जी, भाई साहब कहाँ से हो आप? मंगलोर से। मंगलोर कहाँ पड़ता है? ये जाजपुर के पास। अच्छा, पहले भी आप आए हो? पहले भी आए। और मेला देखने आए हो? पहले बहुत बार आए। कैसा लगा आपको? हर साल आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हो? अभी मंगलोर से। हाँ जी, मंगलोर से। ठीक है, जय माता दी। यहाँ पे माता का जो मेला साल में दो बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रों में 9 दिन भक्त उपवास रखते हैं और माता के यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय माता जी। कहाँ से हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से। कैथल से। अच्छा, हर साल आते हो यहाँ पे? नहीं जी, माता जी की सूचना होती थी, वैसे घर के तो आते ही हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ घर के। क्या कुल माता है आपकी? हाँ जी, कुल माता है जी। ठीक है जी, कैसा लगा मेला आपने देखे यहाँ? बहुत अच्छा है जी, शांति है और साफ सुथरा मिल रहा है जी। ठीक है जी, जय माता जी। जय माता, जय माता दी। जो लोग बाहर से यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर से लाखों लोग यहाँ पे हर साल साल में दो बार आते हैं और उनके लिए लंगर का यहाँ पे प्रबंध है। आइए अंदर आपको दिखाते हैं संतों के लिए लंगर का जो प्रबंध है वो कैसे किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह से शाम तक लगी रहती है और दानी जो दानी सज्जन है लोग हैं वो यहाँ पे 24x7 परमानेंट यहाँ पे लंगर चलता रहता है। मेले के समय में यहाँ पे झूले, सभी तरह के झूले हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं सभी। जय माता दी। भाई साहब, जय माता दी। भाई साहब जी,
कहाँ से हो आप? रहने वाले प्रॉपर भाई, हम रहने वाले प्रॉपर हैं, हरियाणा अहमदनगर के। तो आपने की ये दुकान है कितने समय से यहाँ? भाई जी इसने हो गया 35-40 साल हो गए। पहले आपके बुजुर्ग बैठते थे? पहले हमारे बुजुर्ग बैठते पड़े जो थे, अब हम संभाल रहे हैं। हाँ ये ललिता माता मंदिर के सामने दुकान है, जहाँ पे ललिता माता का उसके सामने बिल्कुल दुकान है। भाई आप भाई जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज्यादा भाई शेयर कर जरूर करें। भाई जय माता दी। भाई जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से हो आप? नाहन से। अच्छा आपकी ड्यूटी है स्पेशल लगी है या मतलब कि आपकी यही परमानेंट ड्यूटी है? नहीं यहाँ पे मेरे ड्यूटी अभी लगी है। तो अब दिन में भीड़ ज्यादा रहती है, शाम को मेला कैसा भर रहा है? मेला अभी दिन में भी रहती है बहुत ज्यादा और शाम तक रहती है, शाम को कम हो जाती है। मतलब ये हर साल की अगर देखा जाए तो यहाँ पे श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना? जय माता दी। जय माता दी। भाई साहब जय माता दी। कहाँ से हो आप? मैं लाहड़पुर से हूँ जी, लेकिन हमारी दुकानें परमानेंट है। कितनी दुकानें हैं? हमारी चार दुकानें हैं जी। पीछे है जो? हाँ जी हाँ जी। इनकी अच्छा कितने टाइम से दुकान? परमानेंट 8 साल हो गए भाई साहब। निशानी है यहाँ पे? हाँ जी ललिता माता के दरबार के सामने और शैनी छूट प्रसाद भंडार और शैनी छूट के नाम से है जी। क्या क्या सामान मिलता है आपके पास? हमारे पास पूजा का सारा सामान मिलता है जी और अपना भंडार का काम भी है जी। ठीक है जी। जय माता दी। भाई साहब देवी माता के दर्शन करके नीचे की तरफ आते हैं तो वहां से बाएं हाथ प्राचीन शिव का मंदिर है, ये दिखाओ नीचे, यहां भी दर्शन करके जाएं। आ जाओ यहाँ पर आए, थोड़ा सा आगे चल के सिरमौर संस्कृति संग्रहालय यहाँ पे है, यहाँ पे प्राचीन कलाकृतियां और कुछ चीजें दिखाई गई हैं। जब भी आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर जरूर आए और अपने पीछे की तरफ दिखाए। भाई ये सरोवर है, इसके बीच में आप स्नान कर सकते हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर जब भी आए यहाँ इस तरफ जरूर घूम के जाए आप। अभी ये बंद है क्योंकि आज छुट्टी है किसी कारण से, और आए तो अंदर घूम के जरूर जाएं। ये क्या है? पौधा है सर, पानी में रखने का सहारा बनता है। क्या नाम है इस जड़ी का? नाम क्या है? संजीवनी सदाबहार बोलते हैं। संजीवनी हरी हो जाएगी अपने आप ही अगर हम इसको घर ले जाके पानी में डुबो के रखे तो ये हरी हो जाएगी जी। खाने की तो नहीं है ये? खाने की नहीं, गमलों में लगाने वाला सावट के लिए। नहीं आपने बोला संजीवनी शायद जैसे हनुमान जी लेके आए थे ना वो वाला? नहीं दूसरा वाला है, जीवित हो जाती है। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। भाई हम तो अभी आए नवरात्र ड्यूटी। अरे नवरात्र की ड्यूटी लगा है, कहाँ से रहने वाले? हम लोकल है यार। लोकल ही है। कितना मेला आपके हिसाब से ज्यादा है, भीड़ या कम है? पिछले उससे तो ज्यादा ही है, जब अभी कोरोना के सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल को, लाइक शेयर जरूर करना भाई। जय माता दी। जय माता दी। जय माता की। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें भाई। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। महामाई बाला सुंदरी के ऊपर जो ब्लॉग हमने बनाया है उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय माता दी।